जो हुआ नावाकफियत की बिना पर हुआ। वो दरगाह में रहने सहने के उसूल भी नहीं जानते तो उन्हें क्यों कर बुरा कह सकते हैं। मुमकिन है कि यूनुस अफंदी को जनान खाने में मौजूद लोगों से ताल्लुक रखने का सलीका मालूम ही ना हो। किस वक्त जनान खाने जाना मुनासिब है, किस वक्त मुनासिब नहीं, ये सब बातें भी खिड़की की तरह, दस्तार की तरह, सुई की तरह, धागे की तरह अहम है दरवेश के लिए। किसने कही है यह बेहुदा बात? कलमाए तौहीद के मायने क्या है ये तो बता दें। क्यों पढ़ते हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह? जिस किसी ने भी हम ये झूठा इल्जाम लगाया है यूनुस, अल्लाह करे उसकी जुबान बंद हो जाए। यूनुस अफंदी, साल भर दूर रहे फिर लौट आए नालेहान। कभी इन्हीं गलियों में सर उठाकर चलते थे तुम, अब सर झुकाए चेहरा छुपाए फिरते हो, कहीं कोई पहचान ना ले। किसी का कसूर नहीं, इसी सुलूक के मुस्तहिक थे तुम। किसने कहा था कि काजी का मनसब छोड़ छाड़ कर जाकर दरगाह में बैठ जाओ, फिर कैद दरवेशी पहन लो। क्या सिला मिला इस कुर्बानी का? किसी ने कदर की तुम्हारी? बल्कि तुम क्या थे और क्या बना दिया तुम्हें? मैं तो माशकी हूं, पानी पिलाता हूं, पानी मेरा नहीं चश्मे का है। सलाम अलैकुम बिरादरान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को? आमदनी के एक तिहाई महसूल देखकर बचता ही क्या है, दुकान का माल खरीदें या घर का खाना पीना करें सरियागा। सही कहा इन्होंने। हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही बात है, बिल्कुल सही। ये महसूल नहीं दरिंदगी है, सोच समझ कर बात करो बहराम आगा। सही तो कह रहे हैं, हर माह एक नया महसूल लागू कर दिया जाता है, इंसाफ करें इंसाफ। आखिर हम क्या करें, भर गए हम तो पूरा करते करते। महसूल तो हम दे रहे हैं मगर ये जा कहां रहा है, हमारी हुकूमत को या मंगोलों को? खामोश, जिस किसी को भी कोई तकलीफ है वाली शहर का दरवाजा खटखटाए और करे शिकायत। वाली शहर के हुक्म पर अगर लोहा भी काटना पड़ा तो काटेंगे। सरिया के आदमी दुकान दुकान जाकर नित नए महसूल लगाने का ऐलान कर रहे हैं मसूद आगा। किसी भी मामले में हमारी राय लेना तो दरकिनार, इत्तला तक नहीं देते अब वो। इससे तो मामले उलझेंगे सरदार, हर रोज एक नया मसला उठता है, अखी हुनरमंद खुद कोई कदम ना उठा लें। किसी को इख्तियार नहीं कि अपने तौर पर कोई कदम उठाए, जब तक हम मुशावरत से कोई फैसला न कर लें उनसे कहो सब्र तहमुल से काम लें। सरदार
खुशामदीद सरदार। क्या मुसीबत है सारी? बाजार गए थे क्या? जी सबके पास। शिकायत तो की होगी सबने। कमजोरी दिखाता तो शायद काटी डालती हूँ मुझे। अभी तो ना चाहते हुए भी बर्दाश्त दिखा रहे हैं, वरना नुकसान उन्हीं का होगा, वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम जकी भाई। वालेकुम अस्सलाम। किस वक्त तैयार हो जाएगी हमारी गंदुम? दोपहर तक ले जाइएगा। ठीक है ठीक है। 40 सिक्कों में हुआ था ना सौदा? जी 40 सिक्कों में ही। ये लीजिए भाई, गिन लीजिए, पूरे 40 सिक्के हैं। अल्लाह बरकत दे। अल्लाह आपके रिस्क में भी बरकत दे भाई। जजाक अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। गांव से आया हूं मैं, यहाँ अपनी गंदम का सौदा करना है। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन फिलहाल हम नहीं ले सकते, आप कोई दूसरा अनाज फरोश देख लीजिए। शुक्रिया भाई। दरगाह की गंदम के इंतजार में जगह खाली रखी है, वरना ले लेते। वैसे भी हिसाब करके कीमत तय कर चुके हैं कासिम आफंदी से। फी बोरी सिर्फ 4 सिक्के। बिल्कुल नहीं, हम तो हमसाए हैं दरगाह वालों के, भरोसा नहीं तोड़ सकते शेख मोहतरम का। अभी ना ही उनकी गंदम आई है और ना ही आपने अदायगी की, सौदा तो हुआ ही नहीं। मैं तो वैसे भी कम कीमत पर दे रहा हूँ, तिजारत नहीं कहेंगे क्या इसे? धोखा नहीं दे सकते उन्हें, शर्मिंदगी होगी हमें। 3 सिक्के मंजूर है। बोलो, अभी कीमत तय करो, शाम तक गोदाम भर दूंगा मैं तुम्हारा। अनाज का आखिरी दाना अंदर पहुंचने तक अदायगी बिल्कुल नहीं करूंगा। पैसे आपके, उसूल भी आपके। एक बात तो बताओ, कीमत क्यों कम की? नालेहान के बाजार में किसी को मसला तो नहीं है वैसे, ना तो शेख साहब से और ना दरगाह से। मैं तो गरीब सा देहाती हूं, गंदम उगाने के अलावा कुछ नहीं जानता मैं। नाम क्या है तुम्हारा, ये तो बता दो। बड़े मनसब की बड़ी मुश्किलात होती हैं कासिम अफंदी। इंसाफ से कहो, गुज़िश्ता एक बरस में कौन सी रात थी
जब तुम्हें सुकून की नींद आई हो। या हल्ल मुश्किलात मेरी मदद फरमा। कितने सिक्के मिल जाएंगे अनाथ से पीर भाइयों? तमाम बोरियां पहुंचाने के बाद 175 सिक्के मिलेंगे। 6.5 बोरियां बची हैं हमारे पास। 6.5 बोरी का मतलब भी अनाज ही है। एक एक दाने का हिसाब होता है, ये दरगाह की अमानत है। खेत में कितना वजन किया गया था गंदुम का अली ताईगो अफंदी? तकरीबन 36 मन है कासिम आगा। जकी अनाज फरोश यकीनन अपने तराजू पर भी तोलेगा, खुद तोले बगैर तो एक दाना नहीं खरीदता। खैर जाओ तुम लोग, अल्लाह काम आसान करे। कुछ और दरियाफ्त करना हो तो अली ताईगो अफंदी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जकी साहब। वालेकुम अस्सलाम कासिम अफंदी, खुश आमदी। शुक्रिया जकी साहब, शुक्रिया। 36 मन गंदुम है ना? 5 सिक्के फी बोरी तय किया था हमने। हाँ तय तो किया था। देखिए, मैंने कभी भी शेख अफंदी से वादा खिलाफी नहीं की। रुक जाओ जकी साहब, रुक जाओ। जबान लड़खड़ाने लगी तुम्हारी तो। एक पल जरा सांस लो, फिर सुकून से बताओ साफ साफ कहना क्या चाहते हो। दरअसल कहना यह था कि इस साल हमें माफी कर दें शेख अफंदी, बहुत मसाइल हैं। जिसे भी देखो उसका हाल ही बुरा है। बेचारे गरीब देहाती भी मजबूर होकर 3 सिक्कों में ही बोरी दे जाते हैं। 3 सिक्कों में? इससे तो बेहतर है कि अनाज मुफ्त में ही दे दिया जाए जकी साहब। मगर हम क्या करें, गरीब किसानों को अदायगी कैसे करेंगे जिन्होंने इस कीमत की उम्मीद पर जान लगा दी अपनी। आप ठीक कह रहे हैं जनाब, मगर हम भी क्या करें। आखिर 3 सिक्कों में बोरी खरीद कैसे ली तुमने जकी साहब? 1 सिक्के में तो 1 रोटी आती है। हाँ बिल्कुल है कासिम अफंदी। वैसे कौन है वो जिससे खरीदी है गंदुम? सेवरी हिसार का एक गरीब किसान था, सारकोए नाम है उसके गांव का। तो नाम भी तो होगा ना उसका कोई? हाँ बिल्कुल है कासिम अफंदी, बिल्कुल है, मैंने पूछ लिया था उससे। जिंदगी महंगी है,
जिंदगी महंगी है, जिंदगी महंगी है। जिंदगी महंगी है। अम्मा जान, कितने वर्षों से तुम्हें देखने की हसरत थी बच्चे। तुम तो वहां जाकर हमें भूल ही गई। लगता है बड़े घरों में ऐसा ही होता है। जैसे आप लोगों का तो वहां आना मना है ना, अगर मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ सकी तो आप लोग ही मुझसे मिलने आ जाते वहां। खुश आमदीद बच्चे। अम्मा जान, ये आयगुल है मेरी कनीज। जीती रहो, शादो आबाद रहो बच्चे। बहुत शुक्रिया खानम सुल्तान। चलो अंदर चलें। यहीं खड़े खड़े सारी बातें करनी है क्या? चलो शाबाश, अंदर चलते हैं। चलो अंदर चलते हैं। चलो बच्चे आ जाओ, अंदर चलते हैं। आ सकता हूँ शेख? हाँ आ जाओ, बैठो कासिम। कह भी दो, दिल की बात को जबान तक लाते हुए रोको मत कासिम। जकी अनाज फरोश ने गंदम की कीमतें खरीद बहुत घटा दी है शेख। हो सकता है गंदम इस साल ज्यादा हुई हो। जाहिर है जब फसल ज्यादा होगी तो लाजमन कीमतें गिर ही जाएंगी। ऐसा नहीं है। क्या सबब है कि इतनी कीमतें घटा दी जकी अनाज फरोश ने? कहता है सेवरी हिसार से मुल्लाए कौनिया नामी शख्स ने उसे पेशकश की है कि 3 सिक्के फी बोरी के निर्ख से गोदाम भर देगा उसका। हाँ। अच्छा तो अब हमें क्या करना चाहिए? जो आपका हुक्म हो शेख। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस मुल्लाए कौनिया नामी किसान को तलाश करता हूं जाकर। इन तमाम कामों के तुम्हें जिम्मेदार हो कासिम, क्योंकि ये सब तो तुम ही करते हो, हिसाब किताब और वसूली वगैरह। मौजूदा सूरत हाल में जो तुम्हें मुनासिब लगे तुम वही करो कासिम। जिम्मेदारी तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हारा ही होगा कासिम। पूरा साल गुजर गया बच्चे, तुम्हें ख्याल नहीं आया कि अपने बूढ़े माँ बाप का हाल पूछ लो? एक भी ऐसा लम्हा नहीं गुजरा अम्मा जान जिसमें आपको याद न किया हो। क्या बात है आपकी, अम्मा जान का दिल कैसे जीतना चाहिए ये कोई आपसे सीखे। तो क्या झूठ कह रही हूँ मैं? झूठा और तुम्हें कहूँ, अल्लाह ना करे। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं जरा दस्तरखान लगा लूँ, भूख लगी होगी, लंबा सफर करके आए हो तुम लोग। अरे आप क्यों सहमत कह रही हैं अम्मा जान, दस्तरखान आएगी लगा लेगी। अरे नहीं बच्चे, रहने दो, ये तुम्हारी कनीज होगी, यहाँ तो मेहमान है ये।
उसके बारे में हम कोई बात सुनना नहीं चाहते। क्या हमसे मिलने आई है? वो अपनी बहन से मिलने आई है, अपनी खुशी से आई है और अपनी खुशी से चली जाएगी। आलू बुखारे का मुरब्बा बनाया है अम्मा ने, ठंडा हो गया होगा, मैं जल्दी से जाकर लेकर आती हूँ। तुम सहमत क्यों कर रही हो बासिम, आईगुल ले आएगी जाकर। कुछ नहीं कर रही तो ऐसा करो बाजार चलो मेरे साथ। कुछ खरीदना है तुम्हें? एक मशहूर नजुमाई हुई है, मरियम नाम है, उनके नालेहान आने की खबर मिली है मुझे। यूं अचानक इतने अरसे बाद कैसे आ गई अब समझ आया। हमारी याद तो सिर्फ एक बहाना थी ना जाहिदा। अब तुम दिल दुखा रही हो मेरा। ये सारे मसले काहिनों की वजह से ही हैं तुम्हारी जिंदगी में। औरों जैसी बिल्कुल नहीं है वो खातून, सुल्तान तक बुलाते हैं उन्हें अपनी हवेली में। आज तक जो भी कहती आई हैं सब सच हुआ है, और अगर मेरा यकीन नहीं खुद देख लेना वहां जाकर। बिल्कुल नहीं जाऊंगी। यानी मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा? बात को समझो, मैं नहीं जा सकती। तुम किसी के बारे में नहीं जानना चाहती? बच्चे वालियों को छोड़कर रेवड़ की आधी भेड़े मांगी हैं सरियागा ने। कहता है जिसके पास दो बोरी अनाज होगा वो एक बतौरे महसूल देगा। कहने दो उसे। सुल्तान अलाउद्दीन कब्र में लेकर गया है दौलत जो जानदार ओगलू लेकर जाएगा। आराम से बकरागा, दीवारों के भी कान होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका दिन बखैर हो। आपका भी दिन बखैर हो जनाब। हम एक शख्स की तलाश में हैं दरअसल। मालूम हुआ है कि वो इसी गांव में मौजूद है। कुछ ठंडा पी लें सवारी से उतरकर। आपके घोड़े भी जरा सांस ले लेंगे। अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत दे, हमारे पास वक्त नहीं है दरअसल। अच्छा तो बताइए किसकी तलाश में है? मुल्लाए कौनिया नाम है उस शख्स का। है कोई इस नाम का आदमी जो यहां रहता हो? जी हाँ बिल्कुल है। अस्सलाम वालेकुम छोटे साहब। वालेकुम अस्सलाम बड़े साहब। ये क्या कर रहे हो? दिख ही रहा होगा जाल बिछाया है। तो थोड़े ज्यादा कीड़े डाल देते, खर्चा थोड़ी आता है। हो सकता है बड़ा परिंदा फंस जाए। मैंने तो एक कीड़े के जरिए मुर्गी पकड़ ली थी उस्मान के साथ। हम यहाँ मुल्लाए कौनिया की तलाश में आए हैं, यहीं होते हैं वो। लेकिन आप हैं कौन? नाम बताएं तो सोचूंगा बताऊं या नहीं। अजनबी थोड़ी हैं हम, दोस्त ही समझो। रुकें जरा,
अगर किसी ने देख लिया तो खैर नहीं होगी हमारी। शुक्रिया आएगा। हाँ तो चल जाए पता, अगर ये गुनाह होता तो सुल्तान हरगिज ना बुलाते उन्हें हवेली में। जिद छोड़ दो, चलो ना मेरे साथ। बिल्कुल नहीं, नामुमकिन है। जो भी सोचती हो जानना नहीं चाहोगी। अम्मा जान से क्या बहाना करेंगे, सोचा भी है? अगर तुम तैयार हो तो मैं पूछ लूंगी अम्मा जान से। हाँ कहाँ चला गया ये बच्चा, कहाँ रह गए थे जनाब? हम तो आपका इंतजार करते करते थक गए। वैसे मैं भी इंतजार ही कर रहा हूँ कि कोई आए और मेरे हाथ में सिक्का रख जाए, लेकिन कोई आया ही नहीं यहाँ। ये क्या हमारे पीछे पीछे ऐसे ही आता रहेगा? हसन आगा जी, हुकुम कीजिए। हमें बाजार में कुछ काम है, तुम आगा निजाम के पास जाओ, लिबास तैयार होगा, और बात सुनो, वही इंतजार करना। जैसा आपका हुक्म। बासम, मरियम अम्मा, बहुत याद आई है आपकी इतने अरसे में।
जल्द तुम्हें कोई मिलने वाला है। एक मेहमान भी आई है क्या तुम्हारे साथ? बहन है मेरी मरियम अम्मा। मेरे पास आओ, वहां क्यों खड़ी हो? किस्मत के बारे में नहीं जानना चाहोगी? ज़ाहिदा आ रही थी इधर, मैं तो बस उसके साथ चली आई। अगर कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो, काफी अरसे से जानती हूं मैंने। मुझे कुछ भी नहीं जानना है ज़ाहिदा। परेशान नहीं हो क्या उसके लिए कि वो किस हाल में है, जिंदा भी है या मर गया? जनाब, यहाँ रहते हैं मुल्ला कोनिया। दिल की दिल ही में रखी है तुमने, उसकी पहल की मुंतजर हो। आज खोल दो ये राज, कह दो पानी से। चलो बता दो मेरी बच्ची, हम पर सब आया है।
जल्द आएगा वो शख्स। जब ज़की अनाज फरोश ने मुल्लाए कौनिया का नाम बताया था मुझे, तो कौन जानता था कि वो तुम होगे? कैसे मालूम हो सकता था हमें कि वो शख्स तो हमारा पुराना पीर भाई यूनुस निकलेगा? हम नजूमी तो हैं नहीं, हम तो इसलिए निकले थे कि किसी तरह उस शख्स को तलाश करें और उसे तंबीह करें कि कीमत कम करके वो अनजाने में दरगाह को नुकसान पहुंचा रहा है। अनजाने में नुकसान कैसे मुमकिन है? जो मुझे जानता ही ना हो वो नुकसान कैसे पहुंचाएगा? ये तो तकदीर का लिखा है और तकदीर किसी फायदे या नुकसान का हिसाब नहीं रखती। तुम्हारे इस बेतुके रवैये का सबब मैं नहीं जानता यूनुस। तो तुम्हारे बेतुके रवैये का सबब क्या था उस वक्त? हमने कब ऐसा रवैया रखा तुम्हारे साथ यूनुस अफंदी? कब हमने कोई तकलीफ पहुंचाई तुम्हें दरगाह में? क्या सिर्फ तकलीफ ना पहुंचाना अच्छा मामला करने के बराबर होता है? एक वक्त था कासिम अफंदी, हम यहां काजी हुआ करते थे। कभी हमने जताया कि सब कुछ छोड़ छाड़ आवाम के साथ आ बैठे? यूनुस अफंदी, न मुझको न पीर भाइयों को किसी को आपसे कोई शिकायत नहीं रही। हर कोई आपसे राजी था वहां, और ये आप भी जानते हैं। लेकिन शेख मोहतरम ने अपने निजी मामले पर आपके साथ जो सलूक किया वो हमारी खता नहीं। हमारे दिए हुए फरीजे से तुम इतने बेजार चुके हो, क्या आखिरकार तो फिर जा सकते हो हमारे फकीर खाने से? आज के बाद न शक्ल देखनी है हमें, न तुम्हारी आवाज सुननी है। सेवरी हिसार के करीब हमारे किसान दोस्तों में से एक ने शिकायत की है कि कोई शख्स कीमतों में गिरावट का बाइस बन रहा है। वो एक देहाती है जो रियासत के पास जाकर शिकायत करने के वसाइल नहीं रखता। क्या कर सकते हैं इस मामले में? अखी बरादरी का मरकज इस हवाले से क्या तदबीर कर सकता है, बस ये जानना था। क्या तुम अपना इंतजार मरियम काहिना से छुपा रही हो बेटी? कल ऐसा क्या देख लिया था पानी में कि गिराकर चली गई थी आप?